ओ तब कथा तप्तजीवनम कविड़ीड़म शापम श्रवणमंगलम श्रीमदा तथम भुवि गृहती ये भुरीदना श्रीरामकृष्ण भक्तगण को तारत्य में बता रहे हैं गिरीश घोष का मंदिर में भवन में भक्त संग बैठे हैं अभी नाना प्रकार का प्रेम को वर्णन देते हुए भक्त कितने प्रकार होता है वो बताया अंतरंग है बहिरंग है जो सालोक्य चाहते हैं साष्ठी चाहते हैं साजुज्य चाहते हैं और समीप्य चाहते हैं एवं आखिर में एकत्व चाहते हैं नाना प्रकार को बता सभी भक्त है सभी भगवान के चाहते विभिन्न प्रकार से रुचि अनुसार तो इसके बाद उधर में ज्ञानी भी बैठे हैं महिमाचरण भक्त संघ उसके लिए भी कुछ बोलना चाहिए तो ठाकुर कह रहे हैं महिमाचरण के प्रति देखिए जो जिस प्रकार भक्त है उनके लिए उसी का बात ठाकुर सुनाते थे उनका रुचि अनुसार साधन अनुसार उनका लक्ष्य अनुसार अभी ज्ञानी के बात बता रहे हैं क्योंकि ठाकी ठाकुर का ज्ञानी का भी सर्वोच्च अवस्था हुआ था ज्ञानश्च भक्तिश्च दिमूर्ति में कम भूवि राम ज्ञान भक्ति दो ही का पराकाष्ठा है अभी कहते ज्ञानी अवतार भी नहीं चाहते भक्ति भी नहीं चाहते हैं जो भक्त तो है हम लोग सब तो अवतार के लिए इंतजार करते हैं अवतार अच्छा अवतार भगवान का मानव रूप है भगवान कृपा करके हमारे बीच हमारे जैसे रूप धारण करके आए हैं इससे बड़ा अवतार क्या हो सकता है लेकिन ज्ञानी उसको पसंद नहीं करता है का अच्छा ये उदाहरण देके के कह रहे हैं जैसे जब श्री रामचंद्र अवतीर्ण हुए थे तब वनवास काल में वो ऋषियों का कुठीर में पदार्पण करते थे जब ऋषियों को कुटीर में पदार्पण किया तब ऋषिगण उनको बताया हे राम हम लोग सुने हैं कि स्वयं भगवान दशरथ का बेटा होकर धराधम में आए हैं अवतार ग्रहण किए हैं क्योंकि भरद्वाज ऋषिगण भरद्वाज आदि ऋषिगण आपको अवतार मानते हैं बोल रहे हैं कि अभी हम लोग सुने हैं भरद्वाज भी आप लोगों को अच्छा अवतार का दर्जा दिया है अभी स्वयं भगवान है लेकिन हम लोग अवतार को नहीं चाहते उससे हमारा मतलब नहीं है हम लोग अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म का आराधना करते हैं वे अब नाथी ने डूबी दी सवतार वे आर सॉरी सॉरी नहीं बोला पर ये बताया कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है हम जानते हैं आप ही अवतार है और ठाकुर कहते हैं राम प्रसन्न चित्ते हाँ खुश हो गए और मुस्कुराया प्रश्न होता है राम तो को खुश होने का क्या कारण है उनको तो इनकार कर दिया उनका तो अस्वीकार किया क्या उन लोगों को खुश करने के लिए खुशी हुआ ना क्या वाई वाई इड स्माइल एंग्री और ही कुड टॉट देम अरे बेवकूफ जो सच्चिदानंद है वो मैं ही हूँ ये नहीं बताया लेकिन ही अप्रूव्ड एंड स्माइल्ड बिकॉज वो सच्चिदानंदो भी तो मैं हूँ हमारा तो कल अवतार एक रूप नहीं है साकार रूप में जो है निराकार रूप में वही है तो कम से कम तो इन लोग हमारा निराकार रूप को पसंद करता है वो तो हमारी भक्त हुआ निराकार भक्त हुआ है तो भगवान की ये नहीं है जो साकार भक्त है वही भक्त है निराकार भक्त भक्त नहीं है ये हमें समझना पड़ेगा धर्म जीवन में संकीर्णता नहीं होना चाहिए हमेशा देखा जाता है जो साकार भक्त होते हैं वो सोचते हैं हम लोग सुपीरियर है यही भक्ति है निराकार भक्त बेकार है ऐसी नहीं है रामचंद्र जी दोनों को ही रक्षा करते हैं दोनों ही का भक्त है वो साकार भी है निराकार भी है ठाकुर जो कहा करते थे ये दोनों ही भगवान का दो रूप है जिसका जो रुचि है तो भगवान का नाराजगी नहीं है वही तो मेनू का बंदोबस्त किया है जिसको जो चाहे पसंद करे ले वैरायटी तो ही सृष्टि अच्छा किया है अभी एक प्रश्न आता है ठीक है भक्ति और ज्ञान जो है ये दोनों में बराबर होते हुए भी विच इज़ प्रेफरेबल हमारा मन में प्रश्न होता है अच्छा ठीक है दोनों ही है ज्ञान भी है निराकार साधन भी है साकार साधन भी है तो इसमें से कौन वाला ठीक होता है ये प्रश्न साधारण है ये प्रश्न स्वाभाविक है इन नेचुरल क्वेश्चन अर्जुन का मन में भी ये प्रश्न आया था जो द्वादश अध्याय में भक्ति जोग में अर्जुन पहला स्टोक में ही प्रश्न उत्थापन किया कि ये दोनों में दोनों प्रकार है तो उनमें कौन वाला ठीक रहेगा कि युक्त अर्जुन जो बोल रहे ओपनिंग वर्स, चैप्टर ट्वेल्व वर्स वन अर्जुन वाच एवं सततयुक्ता जी भक्ता स्थान पर जु पाषति चाप्य चाप्यक्षर भक्तम तेषा की योगवित्त और भगवान परवर श्लोक में उत्तर दे रहे हैं मय्याश्य मनोजे मं नित्ययुक्त उपास परे में युक्तमा है लेकिन ये भी बताया क्लेशोधि कतरस्तेषा अव्यक्ता सत्यचेत अव्यक्त ही गतिर्दुखम देहब बद्दीरवाप्यती तो अर्जुन ने जो पूछा है वही हमारा मन में प्रश्न है जो भक्ति और ज्ञान दोनों पक्ष जैसे ठाकुर बताया तो जो निरंतर आपसे युक्त होकर आपको भक्ति करते हैं एवं जो अव्यक्त है निराकार है उसके उपासना करते हैं दोनों में कौन उत्तम है कौन श्रेष्ठ है विच इज प्रेफर बेटर श्री कृष्ण कहते हैं इसमें से जो भक्ति मार्ग में जाते हैं वही बेहतर है कहते हैं दोनों ही एक बिंदु में पहचेंगे क्योंकि भक्ति मार्ग में बेहतर क्यों है वो सहज तरह है और वो क्या है क्लेशोधि कतर स्म बहुत क्लेशकर है जो निर्गुण निराकार ब्रह्म उसमें ईश्वर को उपलब्धि करना इतना आसान चीज नहीं है क्यों किसके लिए आसान चीज नहीं है देह भी देह देहवदी रि जो देहधारी है मनुष्य के लिए जो देहधारी मानव है उनके लिए देहातिरिक्त ये अनुभूति प्राप्त करना बहुत ही कठिन बात है इसीलिए इट इस इज नॉट रिकमेंडेड जी कहते हैं बार बार भक्ति श्रेष्ठ है क्यों भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों ही एक बिंदु पर पहुंचेंगे दोनों ही अनुभूति बराबर है लेकिन भक्ति मार्ग अनुसरण करना सहजतर है ज्ञान मार्ग कठिन क्योंकि जो हमारा देह अभिमान मतलब आई एम दिस बॉडी आई हैव दिस बॉडी ये बॉडी कॉन्शियसनेस को ट्रांसिट करना बहुत कठिन बात है जो ठाकुर का कोई उदाहरण है जो कृष्ण किशोर इत्यादि जो बहुत निराकार भजन करते थे लेकिन जब तबीयत खराब हो गया तब सब कुछ उड़ गया क्योंकि शरीर को भीतर रहते हुए शरीर को पारे जाना इतना आसान चीज़ नहीं है और ये साधन में शरीर को बुद्धि अतिक्रम करना पड़ेगा देह बुद्धि अतिक्रम करना पड़ेगा इसलिए कहा गया है ये बहुत ही कठिन है यद्यपि ऋषिका ने कठिन मार्ग अवलंबन करने चाहते हैं रामजी का कोई आपत्ति नहीं है वो तो मुस्कुराते हुए ठीक है आप लोग का यही आपको रुचि है करिए क्योंकि वो तो सामना सामने ने अब तक इनकार कर दिया तो आपको अगर निरा पसंद है करिए बट ही नोज दिस इज ए मोर टी एंड मोर आर्डर्स जर्नी ये जानबूझ करके जो अगर कोई चाहते हैं इज वेलकम और ये जो टी डी जर्नी बोला जा रहा है बहुत ही कठिन मार्ग जिसे भगवद गीता में कहा गया है तो कितना कठिन है ये कौन बोलेगा ठाकुर बोलने के लिए काबिल है क्योंकि वो ज्ञान मार्ग भी अतिक्रम किया है इतना भक्त होते हुए भी ज्ञान मार्ग भी अवलंबन करते हुए निर्गुण निराकार उपलब्धि हुआ था वह अभी इस बार बताएंगे कि वो खुद निराकार ब्रह्म उपासना किया था उस समय में उनका क्या अवस्था हुआ है कितना कठिन स्ट्रेन ऑफ लाइफ गया था वो अभी व्यक्तिगत स्मृति चारण कर रहे हैं तभी अब ये बात का जाता तो समझेंगे कि क्यों इस मार्ग को रिकमेंड नहीं किया विशेषतः इस युग में जहाँ अनग्रत प्राण है शरीर का उपहना इतना ध्यान देना पड़ता है इसलिए बताया कि ये इस समय में ये नहीं है ठाकुर का जीवन अगर हम इसलिए यहाँ पर ठाकुर का जीवनी एवं संदेश दोनों मिला के हमको लेना पड़ेगा ठाकुर यहाँ पर अपना जीवन का जो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर जो मैं भी ज्ञान मार्ग अनुसरण किया था उस समय हमारा जीवन का क्या अवस्था हुआ तुम लोग सब सुनो इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु आप लोग अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार